Hello friends, Neelam is here. Already we did the four parts of the animals. चार part हम कर चुके हैं. आज है पांचवा part, पांचवा video है animals के ऊपर. Okay, तो इन सभी videos में important चीजें जो हैं animals से related हम सब कर चुके हैं. आज के video में हम animals को लेंगे according to their food habits. Food habits जो उनकी खाने की जो आदतें हैं उसके according जो है animals को किन categories में classify किया गया है. फर्स्ट है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स. ये हमें पता है शाकाहारी जो होते हैं पशु, मांसाहारी जो होते हैं, सर्वाहारी जो होते हैं, और पैरासाइट्स मतलब जो परजीवी होते हैं. अब इनके फीचर्स क्या हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स मींस कौन से पशु होते हैं शाकाहारी, जो प्लांट ईटर्स होते हैं. शाकाहारी हमें पता है कि शाकाहारी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें खाने वाले जो भी पशु हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहेंगे, प्लांट ईटर्स. एग्जाम्पल हैं हॉर्स, काउ, गोट, ज़ेब्रा, शीप, एस, एलिफेंट, जिराफ, डियर, रैबिट एंड ग्रास हॉपर एट्सेट्रा. ये हमारे हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल हैं. जो भी एनिमल जो एनिमल्स हर्बीवोर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं ये. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए इनके एग्जाम्पल, कौन कौन से एनिमल जो हैं वो शाकाहारी होते हैं, कौन से मांसाहारी होते हैं, कौन से सर्वाहारी होते हैं, और कौन से जो है वो परजीवी होते हैं. दे ईट फ्लैश, मीन्स हम उनको फ्लैश ईटर्स कहते हैं. एग्जाम्पल है लाइन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ, स्नेक, फ्रॉग, काइट, लिजर्ड एट्सेट्रा. तो ये हम टू टू फीचर्स इनके देख लेते हैं, कंपेरिजन कर देते हैं इनका. ओमनीवोर्स जो होते हैं सर्वाहारी, मतलब बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर. प्लांट्स भी खाते हैं और साथ के साथ एनिमल्स भी, जो भी उनके लिए ईजीली अवेलेबल होता है वो चीज़ें वो खाते हैं. ठीक है, देयर एग्जाम्पल्स आर बियर, क्रो, डॉग, कॉकरोच, पीकॉक एंड बैजर एट्सेट्रा. पैरासाइट्स क्या हैं, परजीवी किसे कहते हैं हम. दे लिव ऑन और इनसाइड बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. वो दूसरों की बॉडी में रहते हैं, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं या जानवर भी हो सकते हैं. तो उनकी बॉडी में रहकर जो है वो अपना खाना लेते हैं. दे सक्स द ब्लड ऑफ होस्ट. वो जो होस्ट एनिमल है जिसके शरीर में वो रहते हैं उसके ब्लड को सक करते हैं. ये एक उनका खाने का तरीका है. और दूसरा वो जो उसमें छोटे छोटे जीव रहते हैं उनको भी खाते हैं, जैसे कि लीच है, बेडबग है, लाइस है, मस्कीटो है, एग्रेट है. तो एग्रेट जो है आपने देखा होगा, एग्रेट जो सफ़ेद बगुला जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादातर एनिमल्स की पीठ पर बैठा रहता है, जैसे कि भैंस बफेलोस हैं, और उनके अंदर जो भी छोटे छोटे लीचेस या बग्स होते हैं उनको वो खाता रहता है. तो ये इनकी फीचर हैं. देन हर्बीवोर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बाइटिंग टीथ होते हैं उनके, जो उनके टीथ होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग बाइटिंग टीथ, ब्रॉड टीथ होते हैं, और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं. जो उनके बैक टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, थोड़ा चौड़े होते हैं लेकिन बहुत शार्प होते हैं ग्राइंड करने के लिए. द टीथ जो है इनका जो फीचर है वो क्यों ऐसा है, क्योंकि दे हैव टू कट एंड च्यू द ग्रास और लीव्स. तो प्लांट्स को खाने के लिए उनको शार्प टीथ चाहिए, ब्रॉड टीथ चाहिए उसको चबाने के लिए. तो इसलिए उनके जो दांतों का जो नेचर है वो कैसा है, शार्प, ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग. हार्ड हूव्स अंडर देयर फीट टू वॉक. उनके पैरों के नीचे जो हैं वो हार्ड हूव्स होते हैं. हूव्स मतलब जिसे हम खुर कहते हैं. ओके, जिनका जो मटेरियल होता है वो सेम नेचर का होता है जैसे कि हमारे नेल्स होते हैं, सेम मटेरियल के जो वो बने होते हैं. तो वो हूव्स जो हैं वो खुर जो हैं उनको हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चलें और अपने लिए खाना ढूंढें, या फिर उनको बहुत से ऊंचे नीचे सरफेसेस पे मूव करना पड़ता है अपना खाना ढूंढने के लिए. तो इस तरह से वो हूव्स उनको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हूव्स अंडर देयर फीट, देन स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड ग्राइंडिंग टीथ. ओके, यहाँ पे अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो दे हैव शार्प टेयरिंग एंड कर्व टीथ. शार्प टेयरिंग एंड कर्व, दे हैव टू टेयर द फ्लैश. ओके, उनको जो भी मांस मिलता है उसको उनको तोड़ना होता है, उनको काटना होता है. उसको काटने के लिए उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं जिसे टेयरिंग टीथ कहा है, और कर्व्ड होते हैं. ओके, उसको होल्ड करके रखने के लिए. तो टीथ का नेचर कैसा है, कर्व्ड एंड शार्प टियरिंग. दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज एंड क्लॉज टू किल एंड टियर फ्लैश.
उनके जो जॉ होते हैं, जबड़े होते हैं और उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। क्यों स्ट्रांग होते हैं? क्योंकि उनको अपना जो भी शिकार होता है उसको मारना होता है और उसको उसके टुकड़े करने होते हैं, तो इसीलिए उनके जॉज और उनके क्लॉज बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। स्नेक लिजर्ड फ्रॉग्स स्वेलो देयर प्रे होल। कुछ एक कार्निवोर्स होते हैं जो अपने प्रे को, अपने शिकार को, अपने मांस को जो है या जो भी वो शिकार करते हैं उसको एज अ होल मतलब पूरा का पूरा निगल लेते हैं। ओके, बाद में उसको धीरे धीरे जो है वो ख़त्म करते हैं। तो उसके एग्जांपल हैं स्नेक लिजर्ड एंड फ्रॉग एट्सेट्रा। दे स्वेलो द प्रे एज अ होल, पूरा का पूरा शिकार जो है एक साथ पूरा का पूरा जो भी उनका जानवर जिसको वो खाते हैं एकदम से उसको पूरा निगल लेते हैं। ओमनीवोर्स की बात करते हैं तो हमने इसके एग्जांपल देख लिए। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनीवोर्स। ओके, कॉम्बिनेशन टीथ होते हैं उनके, जो हर्बीज वोर्स और कार्निवोर्स के टीथ होते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन टीथ होता है ओमनीवोर्स का। ओके, तो सबके टीथ जो है उनका नेचर अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। पैरासाइट्स की बात हमने की तो इसके एग्जाम्पल हमने देखे। टेप वर्म, राउंड वर्म एंड हुक वर्म आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के और एग्जाम्पल हैं टेप वर्म, राउंड वर्म एंड हुक वर्म। ओके, कुछ एक एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं तो उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। सम एनिमल्स ईट डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल जैकल, वल्चर, हाइना, ईल एंड शार्क, तो इनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, खोजी। स्कैवेंजर्स का मीनिंग है खोजी। तो ये डेड एनिमल्स को खाते हैं। जैकल आपने देखा होगा, वल्चर जो है एक बर्ड है, हाइना, ईल एंड शार्क, तो ये जितने भी एनिमल्स हैं इनको हम स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। सम लिविंग थिंग्स ईट डेड और डिकिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। कुछ ही एनिमल होते हैं जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स को खाते हैं। यहाँ पे स्कैवेंजर सिर्फ डेड एनिमल्स को खाते हैं लेकिन ये डिकम्पोजर्स जो हैं जिनको हम अपघटक कहते हैं ये क्या खाते हैं? डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। द एग्जाम्पल्स आर फंगी एंड बैक्टीरिया। ओके, फंगी एंड बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। ओके, अब जो भी हमने किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, February 2015 में पूछा गया है कि स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ, वाई? उसके लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। बिकॉज इट हैज़ टू कीप नॉइंग ऑन थिंग्स टू कीप इट टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। तो आपसे पूछा गया था कि वो कौन सा एनिमल है जिसके फ्रंट टीथ जो है वो पूरा जीवन में उसके जो है वो ग्रो करते रहते हैं। ओके, तो आंसर होगा स्क्विरल्स। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ दे कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो स्क्विरल जो है हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को काटती रहती है, बाइट करती रहती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उसके टीथ जो है वो ज़्यादा लंबे ना हो, तो उनको घिसते रहने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ों को काटती रहती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्क्विरल्स के लिए। एक और क्वेश्चन है जो फेब और सेप्टेम्बर 2014 में पूछा गया है। एलिफेंट्स आर हर्बीवोर्स। ओके, तो अलग अलग उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, जो भी ऑप्शंस दिए गए थे उनको सबको मैंने इस पैराग्राफ में लिया है। तो उसमें पूछा गया था कौन से करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। एलिफेंट्स आर हर्बीवोर्स, ये हमें पता है, शाकाहारी होते हैं। दे प्रेफर टू स्टे नियर वाटर, वो हमेशा उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ आसपास पानी हो। दे कैन ईट 100 kg, 150 kg और अप्रॉक्सीमेटली 2 quintals ऑफ फूड एंड ड्रिंक 50 to 150 liters ऑफ वाटर इन अ डे। तो ऑप्शंस में अगर 100 है तो भी राइट है, 150 है तो भी राइट है, और अराउंड और अप्रॉक्सीमेट 2 quintals ऑफ फूड है तो भी करेक्ट है। ओके, क्योंकि अलग अलग तीन तरीके से इसको पूछा गया है जिसमें ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, और तीनों ही करेक्ट हैं। तो उसका फूड डाइट में जो है वो 100 किलो से लेके अप्रॉक्सीमेटली 200 किलो तक जो है 200 kg तक जो है वो फूड जो है वो खाता है एक दिन में, और 50 से लेके 150 लीटर तक पानी जो है वो एक दिन के अंदर पी सकता है।
द वेट ऑफ बेबी एलिफेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ. ये भी एक ऑप्शन में दिया गया है, उसमें ये रॉन्ग बताया गया था, 90 kg की जगह कुछ और ज़्यादा दिखाया गया था. तो बेबी एलिफेंट का जो अप्रॉक्सीमेट वेट होता है बर्थ के टाइम होता है 90 kg. अ 3 month ओल्ड एलिफेंट मे एक्सीड 441 pounds. जब वो 3 महीने का होता है तो उसका वेट जो है वो अराउंड 200 kg होता है. ओके. दे कीप देयर स्किन कूल विद मड. ये भी एक ऑप्शन में था कि हाउ दे कीप देयर स्किन कूल. दे कीप देयर स्किन कूल विद मड. ओके. तो जो गीली मिट्टी होती है उसको, उसकी हेल्प से जो है वो अपने शरीर को ठंडा रखते हैं और अपने आप को सनबर्न से बचाने के लिए जो है वो रेत के, रेत का जो सैंड होती है उसका हेल्प लेते हैं. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है एलिफेंट्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है. जून 2011 में पूछा गया है, एग्रेट स्पैरो इज़ अ बर्ड ऑफ सॉरी इज़ अ फ्रेंड ऑफ बफेलो. इट ईट्स द इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो. तो वो कौन सा एनिमल है जो हमेशा बफेलो की पीठ के ऊपर बैठा रहता है या उसकी बॉडी से इंसेक्ट को जो है वो खाता रहता है. इस तरह से किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर था एग्रेट. ओके. और ये भी पूछा गया था कि व्हाई दे ऑलवेज यूज टू सीट ऑन द बैक ऑफ द बफेलो. तो दे यूज टू सीट ऑन द बैक ऑफ बफेलो बिकॉज दे ईट द इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ द बफेलो. द एग्रेट एंड बफेलो हैव सिम्बॉटिक रिलेशनशिप. ये भी एक चीज़ पूछी गई है, सिम्बॉटिक रिलेशनशिप. तो दोनों का जो ये फैब 2016 में पूछा गया था, ऑप्शन में था आपके सिम्बॉटिक रिलेशनशिप. ओके. तो सिम्बॉटिक का जो मीनिंग है क्या है, मींस सहजीवी है वो. तो इन दोनों को एक दूसरे का फ्रेंड माना गया है. क्यों? क्योंकि एग्रेट को बफेलो से उसका खाना मिलता है और बफेलो को जो है इंसेक्ट से छुटकारा मिलता है या अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए जो है उसको एग्रेट हेल्प करता है. तो सफ़ेद बगुला जो होता है, एग्रेट क्या है, सफ़ेद बगुला. तो वो बगुला उसको हेल्प करता है उसको क्लीन करने के लिए, उसको इंसेक्ट फ्री रखने के लिए. तो दोनों का जो रिलेशन है वो सिम्बॉटिक रिलेशन है, सहजीवी जो है उनका संबंध है, सहजीवी है वो. तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 बार पूछी गई है अलग अलग तरीके से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम लेते हैं एनिमल्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम. तो मतलब वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है अकॉर्डिंग टू देयर बैकबोन. वर्टिब्रल मीन्स बैकबोन, रीढ़ की जो हड्डी होती है. टू कैटेगरीज आर देयर, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स मीन जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और इनवर्टिब्रेट्स मीन जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. प्रेजेंस ऑफ बैकबोन इज देयर इन वर्टिब्रेट्स, नो बैकबोन इज देयर. एग्जाम्पल्स आर, वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल हैं फ्रॉग, फिशेस, बर्ड्स, ह्यूमन, स्नेक्स, लिजर्ड, डॉग, डायनासोर्स. इन सबकी रीढ़ की हड्डी होती है. स्नेल्स, क्रैब्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश, जेलीफिश, वर्म्स एट्सेट्रा, दे डोंट हैव द बैकबोन, सो दे आर इनवर्टिब्रेट्स. 97% ऑफ, दिस इज अप्रॉक्सीमेट नॉट एग्जैक्टली, 97% ऑफ एनिमल स्पीसीज आर इनवर्टिब्रेट्स. तो 97% एनिमल्स की जो स्पीसीज़ हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आती हैं, मतलब उनके बैकबोन नहीं होती है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी आपको जानने के लिए. मैं जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें रीड कर रही हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करूँ, लेकिन जो भी वीडियोस में मैंने कंटेंट लिया है बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट है, क्वांटिटी नहीं है उसमें, क्वालिटी है. तो जो भी चीज़ें करवा रही हूँ प्लीज़ उनके नोट्स बनाते रहिए और उनको पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए एग्ज़ाम के लिए. और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनिमल से रिलेटेड हैं, एक क्वेश्चन सितंबर 16 में पूछा गया है, द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन ऑफ द एनिमल्स आर ड्यू टू, ऑप्शंस दिए गए थे. तो राइट ऑप्शन है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट. ओके. रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब जो उनकी बॉडी से राइट लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारी आइस तक जो लाइट पहुंचती है और हम उनकी बॉडी को देख सकते हैं, तो वो पैटर्न जो है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट है. और कुछ एक एनिमल्स होते हैं दे आर ब्राइटली कलर्ड वाइल अदर्स आर हार्ड टू सी. ओके. इट मे बी ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन. तो कुछ एक एनिमल जो हैं उनके कलर्स बहुत ब्राइट हैं, हम उनको ईजिली देख सकते हैं. कुछ एक एनिमल्स को देखना बहुत मुश्किल है,
तो द रीज़न जो है उसके लिए वो क्या हो सकता है कि उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उसकी वजह से. ओके तो आपको पता होना चाहिए द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स आर ड्यू टू दिस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट. उनका जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, मतलब उसके तीन पार्ट होते हैं, तीन कक्ष हम कह सकते हैं. एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू गिल्स लंग्स एंड स्किन. हमें पता है कि वो गिल्स लंग्स एंड स्किन से ब्रीथ करते हैं क्योंकि दे लिव्स ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर. स्किन से कौन ब्रीथ करते हैं, हमने फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा था और कुछ एक और एम्फीबियंस हैं जो अपने स्किन से, मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं. रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड हैव इनविजिबल ईयर्स. रेप्टाइल जो हैं, जो रेंगने वाले जो भी एनिमल्स हैं, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड दे हैव इनविजिबल ईयर्स. हम उनके कानों को नहीं देख सकते हैं. रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी. रेप्टाइल्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं. ओके कुछ एक मार्क बने होते हैं या हम ये कह सकते हैं एक पैटर्न बना होता है, स्केल होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए. ओके इन एम्फीबियंस एंड फिश एट्सेट्रा देयर इज़ एन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन जो है उनके अंदर जो है वो एक्सटर्नल होता है. उसका मतलब क्या है वो मैं बताती हूँ. बट इन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स एट्सेट्रा द फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको पता ही होगा. अगर पता नहीं है तो क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म जो है वो आउटसाइड बॉडी होता है और रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स में फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज आउटसाइड सॉरी इनसाइड द बॉडी. ओके तो उन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम एंड स्पर्म का, एक में इनसाइड बॉडी होता है एक में आउटसाइड बॉडी होता है फीमेल्स के. ओके तो इसीलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है. एक क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया है ईयर में, इसमें या मुझे याद नहीं आ रहा कौन से ईयर में पूछा है, लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है. उसमें पूछा गया था कि विच वन इज़ द लेजी एनिमल स्लोएस्ट एनिमल. तो स्लॉथ, स्लॉथ जो है वो एक बियर की तरह दिखता है और उसके उसका नाम हम नाम ही उसका आलसी भालू है. ओके उसको हम आलसी भालू कहते हैं. स्लॉथ विच लुक्स लाइक बियर सीम्स स्लो एंड लेजी वन. ओके दे स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच. दे लिव अबाउट 40 ईयर्स. तो वो दिन में 17 घंटे सोए रहते हैं उल्टा लटक कर, जो पेड़ की ब्रांच से उल्टा लटक कर जो है 17 घंटे तक सोया रहता है. ओके और उसकी जो लाइफ है वो 40 साल तक होती है. तो स्लॉथ जो है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आलसी भालू. ओके तो ये कुछ एक फैक्ट है. तो बहुत सी चीज़ें हमने एनिमल्स के बारे में इन पांच वीडियोस में की हैं, अपने लास्ट पांच वीडियोस में. जिन्होंने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना. पांच के पांच वीडियोस जो हैं एनिमल्स के लिए बनाए गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट हम कंटेंट कह सकते हैं उन वीडियोज़ के अंदर है, जो डेफिनेटली जो है आपके एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प करेगा. उससे हम जो भी सिलेबस इम्पॉर्टेंट है उसको करने के बाद और भी चीज़ें जो है हम रिवाइज़ करेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे. कोशिश करूँगी कि अब इसके बाद मैं आपका मैथ्स के भी टॉपिक लेना शुरू करूँ. और कुछ एक सब्सक्राइबर हैं जो नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट बॉक्स में जो भी उनके डाउट्स हैं या जो भी उनको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालकर जो है मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपके क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप ऑन सपोर्टिंग मी, देन सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.